मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्य सचेतक जुब्बल कोटखाई के विधायक तथा पूर्व मंत्री नरेंद्र ब्रागटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। नरेंद्र ब्रागटा का निधन शनिवार को प्रातः पीजीआई चंडीगढ़ में हुआ। वे 69 वर्ष के थे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी पूर्व मंत्री नरेंद्र ब्रागटा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्य सचेतक जुब्बल कोटखाई के विधायक तथा पूर्व मंत्री नरेंद्र ब्रागटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लोग, विशेषकर जिला शिमला के लोग, नरेंद्र ब्रागटा द्वारा बागवानी, तकनीकी शिक्षा इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किए गए योगदान को सदैव याद रखेंगे। नरेंद्र ब्रागटा ने सदैव जुब्बल कोटखाई के लोगों तथा बागवानों के हितों को ध्यान में रखा तथा क्षेत्र के विकास को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र ब्रागटा के रूप में उन्होंने अपने परम मित्र को खोया है, जिन्होंने अपने अनुभव से पार्टी को मजबूती प्रदान की। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र ब्रागटा का निधन अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। नरेंद्र ब्रागटा जी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे। स्वाभाविक रूप से उनके इस दुखद मृत्यु से पार्टी को, सरकार को बहुत बड़ी क्षति हुई है। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि हमारे भी बहुत अच्छे मित्र थे और मित्र होने के नाते हमने उनको खोया है। और ऐसे क्षेत्र से जहां हमारी पार्टी को जीत में कठिनाई आती थी किसी दौर में, वहाँ लंबे समय तक पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया और जीत हासिल की। तीसरी बार जीते, मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण दायित्वपूर्ण उनने निभाया और वर्तमान में विधायक के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश सरकार में चीफ व्हिप के नाते कैबिनेट दर्जे के साथ वो काम कर रहे थे। और उनके इस प्रकार से आकस्मिक मृत्यु से सरकार को, संगठन को बहुत बड़ी क्षति, अपूर्णीय क्षति जिसको मैं कह सकता हूँ, पहुँची। मैं अपनी ओर से उनके परिवार को, उनके सगे संबंधियों को इस दुख को सहन की करने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, शक्ति दे और वो प्रभु चरणों में जो है वो स्थान ग्रहण करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और निश्चित रूप से इस बात को लेकर के कल्पना से परे की बात है, स्वस्थ हो गए थे और अभी 6 दिन पहले मुझसे बात की उनने फ़ोन पर, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ। और पिछले शनिवार को डिस्चार्ज कर रहे थे उनको वहाँ हॉस्पिटल से भी, लेकिन फिर उसके बाद तबीयत में थोड़ी फिर से गिरावट आई। पिछले कल मैं उनको देखने के लिए व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर, हम सब लोग, मैं पार्टी के अध्यक्ष और सब लोग, हम गए थे पीजीआई में। तो हमने कल्पना नहीं की थी कि भी ऐसी स्थिति उनकी है। वहाँ देख करके चिंतित हम जरूर हुए, डॉक्टर से बात हुई, लेकिन इतनी जल्दी वो चले जाएंगे इस बात के लिए तैयार नहीं थे, कोई भी तैयार नहीं था। और निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा एक लॉस है पार्टी को और पार्टी के साथ साथ में सरकार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने भी नरेंद्र ब्रागटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। जयराम ठाकुर ने चंडीगढ़ में नरेंद्र ब्रागटा की पार्थिव देह पर माल्यार्पण किया तथा प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी के विकास के लिए उनके योगदान को स्मरण किया। नरेंद्र ब्रागटा वर्ष 1998 में शिमला विधानसभा क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और प्रदेश में भाजपा नेतृत्व की सरकार में बागवानी राज्य मंत्री बने। वर्ष 2007 में वे जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा के लिए चुने गए और भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। नरेंद्र ब्रागटा वर्ष 2017 में फिर से विधानसभा के लिए चुने गए और मुख्य सचेतक बनाए गए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी प्रदेश सरकार में मुख्य सचेतक जुब्बल कोटखाई के विधायक तथा पूर्व मंत्री नरेंद्र ब्रागटा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में राज्यपाल ने कहा कि ब्रागटा एक स्वच्छ छवि के मेहनती व हिमाचल के प्रति समर्पित नेता थे। उन्होंने राज्य में बागवानी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रदेश में, विशेषकर जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में, उनके द्वारा किए गए कार्यों को हमेशा याद रखा जाएगा।
उन्होंने परमपिता परमेश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।